लोकसभा चुनावों में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ऐसी सीट रही छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, कांग्रेस के लिए एक मजबूत किला वो था, लेकिन इस बार उस किले को भी बीजेपी ने भेद दिया है। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ 1,15,000 वोट से हारे हैं। छिंदवाड़ा में 26 साल बाद कांग्रेस की हार हुई है। इससे पहले 1997 में सुंदरलाल पटवा बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे, उन्होंने कमलनाथ को हराया था, लेकिन अब एक बार फिर से विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा में नकुलनाथ को परास्त किया है। सातों विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो विधानसभा चुनावों के दौरान सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, लेकिन सातों विधानसभा सीटों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बढ़त ली है, यानी कि लीड हासिल की है। तो छिंदवाड़ा में अब सियासत का एक नया अध्याय शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के विजय प्रत्याशी विवेक बंटी साहू हमारे साथ है। विवेक जी, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो बंसल न्यूज की तरफ से आपको बधाई, प्रचंड जीत आपने दर्ज करी है कमलनाथ के गढ़ 45 वर्षों में, ये विजय पताका फहराया, कैसा लग रहा है आपको? ये मोदी जी की जीत है, छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के गरीब कल्याण, जन कल्याण और मोदी जी का सपना विकसित भारत, विकसित राष्ट्र हमारा, उस सपने के साथ में छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के साथ में गई है। और यह जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोदी जी की है, इस जीत में भूमिका हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है, इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी की है, और इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका छिंदवाड़े की जनता की है, जो छिंदवाड़े की जनता ने इस बार छिंदवाड़े को आज़ादी दिलाई है। और कमलनाथ और कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स जो वो करते आए हैं, पहले उन्होंने प्रतुल जी के साथ किया, फिर प्रहलाद जी के साथ किया, और इस चुनाव में उन्होंने किया, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दी है कि जब छिंदवाड़े में नहीं चलने वाला, अब इनकी छुट्टी कर दी गई। विजय पताका आप कह रहे हैं, कैसा संगठन के देवतुल कार्यकर्ताओं के भरोसे हुआ है, जो हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई। कहीं कोई लोग इतने बोलते नहीं थे कि जीत को लेकर के आसान भी नहीं थे, लेकिन इतनी बड़ी जीत हुई है ये हमारे देवतुल कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के कारण। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा।